नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल पर मेरे समस्त दर्शकों का स्वागत है। आज अभी रात के 9:30 बजे हैं, मैं अब खाना खाने जा रहा हूँ, जी हाँ, रात्रि भोजन आप कह सकते हैं। तो चूंकि खाने के बारे में एक मान्यता बहुत पहले से है कि अगर आप नीचे बैठ के खाते हो तो वो ज़्यादा फायदेमंद है हमारे पाचन तंत्र के लिए भी और हमारे स्वास्थ्य के लिए भी। और एक बात है कि खाना जो हमारे पूर्वज कह के गए हैं कि सादा भोजन उच्च विचार, जी हाँ, तामसिक भोजन से विचार थोड़ा डगमगा जाता है, मगर सादा भोजन उच्च विचार। तो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि मैं रात में क्या भोजन करता हूँ। तो चूंकि मैं जो पहले दिखाने से पहले बता देना चाहता हूँ कि रोटी और ये राम तोड़े, जी हाँ, जिसे आप भिंडी भी कह सकते हैं, उसकी सब्जी है, और एक ये बेसन की सब्जी है और सलाद है। रात में सलाद में खीरे का उपयोग नहीं करना चाहिए। और जो है वो मैं आपको दिखा देना चाहता हूँ, मैं दिखा रहा हूँ आपको। और ये रही, ये देख लीजिए, तो मैंने आपको दिखाया कि रात्रि में मैं क्या भोजन करता हूं, सादा भोजन उच्च विचार, जी हाँ। और इतना के बाद मैं लास्ट में एक गिलास शुद्ध दूध गाय का पीता हूँ, जिससे कि मुझे एनर्जी मिलती है और सुबह में ताजगी महसूस होती है। वो क्यों महसूस होती है ये आप भी समझ सकते हो, मैं उतना डीपली जाना नहीं चाहता। तो इसीलिए मैं भी आपसे कहना चाहूँगा कि सादा भोजन उच्च विचार आप भी करें और अपने संस्कारों का पालन करें, बड़े बूढ़ों की इज्जत करें, और एक विचार मन में हमेशा रखें कि मेरे आचार विचार और व्यवहार से किसी को मानसिक क्लेश नहीं हो, किसी के दुख का कारण मैं नहीं बनूं। आज के लिए दोस्तों इतना ही। ब्लॉग अगर पसंद आया तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। नमस्कार।